हमारी मांगे पूरी करो, एग्जाम की डेट आगे बढ़ाओ। ये कह रहे हैं वो छात्र जो इस साल जेईई मेन एग्जाम देने के इच्छुक हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया और मुख्य तौर पर ट्विटर के माध्यम से ये स्टूडेंट्स हैशटैग जेईई स्टूडेंट्स वांट जस्टिस लिखकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से कह रहे हैं कि अप्रैल मई में होने वाले इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन ये स्टूडेंट्स आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। सबसे पहले आपको बता दें, जेईई मेंस एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिसे हर साल एनटीए कराता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक बेहद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसे अगर आप पास कर लें, क्लियर कर लें, तो आपको देश के तमाम एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में या बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, बीटेक और अन्य कोर्सेज में एडमिशन मिल पाता है। अब सवाल ये कि इस एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन करने की डिमांड आखिर क्यों हो रही है। दरअसल सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम भी अप्रैल मई के महीने में शेड्यूल्ड हैं और जेईई मेन के दोनों सेशंस भी। जहां सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होकर जून तक चलेंगे, वहीं देखिए जेईई मेन्स का जो पहला सेशन है वो अप्रैल 21, 24, 25, 29 और मई की पहली और चौथी तारीख को होगा। पहले ये एग्जाम 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को होना था, लेकिन बोर्ड एग्जाम डेट से क्लैश होने के चलते इसे अब 21 अप्रैल से 4 मई तक के बीच कराने का प्लान है। लेकिन सीबीएसई छात्र जो कि इच्छुक हैं जेईई मेन देने के, वो चाहते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम को बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक ही टाल दिया जाए। वहीं जो दूसरा सेशन है इस एंट्रेंस एग्जाम का, वो 24 से 29 मई के बीच होना है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आपने दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम को बोर्ड एग्जाम के बीचों बीच शेड्यूल कर दिया है, तो अब हम भला बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें या फिर इस एंट्रेंस की। छात्रों की ये भी मांग है कि जेईई मेन के दोनों सेशंस में आप कम से कम 90 दिन का गैप रखिए। छात्रों ने ट्विटर के माध्यम से हैशटैग पोस्टपोन जेईई मेन्स 2022 लिखकर अपनी बात कही, न सिर्फ एनटीए से, शिक्षा मंत्रालय से, बल्कि प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई। चलिए स्टूडेंट्स के कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। मुंबई के एक सीबीएसई 12वीं के स्टूडेंट कहते हैं, बोर्ड एग्जाम आमतौर पर 2 महीने के वक्त में कराए जाते हैं, फरवरी और मार्च के महीने में। इस साल डिले की वजह से ये बोर्ड एग्जाम उस वक्त हो रहे हैं जब एंट्रेंस टेस्ट भी हैं। मतलब हम बोर्ड एग्जाम और अपने भविष्य में से एक चुनने को अब मजबूर है। वहीं देखिए दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा कि भले ही जेईई एग्जाम सीबीएसई से